तो गाइस क्या हाल चाल, आज हम लोग फिर से आ चुके हैं एक नए गेम के साथ जिसका नाम है पीसी बिल्डिंग सिमुलेटर 2। जैसा इसका नाम है वैसा ऐसा का इसका काम है। सॉरी, काफ़ी टाइम बाद वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा तो अटके गई। तो इसके अंदर बेसिकली अपने को लोगों के पीसी ठीक करने होते हैं, कुछ लोगों के लिए पीसी बनाने पड़ते हैं, मॉडिफिकेशन होते हैं, ओवरक्लॉक होते हैं, बहुत कुछ होता है। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं नया गेम। करियर जाऊं या फ्री बिल्ड जाऊं, एक काम करते हैं, सबसे पहले करियर स्टार्ट करता है अपना। तो भाई न्यू गेम चालू करो भाई। ऑल राइट गाइस, हम हमारे स्टूडियो में आ चुके हैं और यहाँ पे एक डेली न्यूज़ पड़ी है, यानी कि अखबार पड़ा है, उसके अंदर लिखा है लोकल फायर। तो चलो यार आज का काम धंधा चालू करते हैं। यहाँ पे पड़ा है एक नोट, इसको उठाते हैं। इसके अंदर लिखा है अंकल टिम और बहुत बड़ा टेक्स्ट लिखा हुआ है जो कि हम नहीं पढ़ने वाले, ये सब फालतू के काम है। तो अभी अपन चलते हैं अपने स्टूडियो में और यहाँ पे एक ऑर्डर आया हुआ है, इसको करते हैं रिसीव। इसके अंदर है RTX 3080। ओके, इसका क्या करना क्या है इसका? ओके, कुछ तो करना होगा शायद। पिकअप योर पीसी, ये पड़ा अपना पीसी, ये मेरा पीसी है। अरे वाह गैस, अपना पीसी आ गया भाई नया, लेट्स गो। इसको मैं बाद में बहुत तगड़ा बना दूंगा। तो सबसे पहले इसका साइड पैनल खोला जाए। ये मेरे पीसी की तरह ही खुलता है साइड पैनल। इसका पहले चार ये बोल्ट्स निकालने पड़ते हैं, हैंड बोल्ट्स, उसके बाद साइड पैनल हट जाता है। ओके, अभी अपने कंप्यूटर में लगेगा ग्राफिक कार्ड और इसके लिए भी मुझे PCI लॉक हटाना पड़ेगा, जो कि मुझे रियल में भी करना पड़ा था। ये गेम आई थिंक रियल लाइफ में बेस्ड है, मतलब PC बिल्ड कैसे करते हैं वैसे। तो अपना GPU इंस्टॉल करना है अब अपने को। ओपन इन्वेंट्री, ग्राफिक कार्ड, ये रहा अपना RTX 3080। ओ भाई क्या बात है, अभी रिमूव कंटेंट कंपोनेंट्स जो भी है लगा देते हैं वापस। PCI लॉक लग गया, इसको यहाँ से भी लगा देते हैं। ओके, लग गया भाई साहब। अभी केबल्स जोड़नी है अपने को, यहाँ से भी जोड़ दो, यहाँ से भी जोड़ दो, ये मेरे को जोड़नी पड़ी थी लिटरली। ओ भाई लग गया, ऑल डन। अभी इसको कहाँ रखना है, अभी इसको उठा के लेके जाता हूँ और यहाँ रखता हूँ, ये हो गया सेट। अभी टर्न ऑन PC, इस पे जाता हूँ और P दबाता हूँ। अरे चालू हो गया सिस्टम, ओमेगा सिस्टम नाम है इसका। ओके, ईमेल आई भी अपनी। अभी इनबॉक्स में जाते हैं, इसी में जाते हैं, एक्सेप्ट ऑन द वे, एक्सेप्टेड एक। ओके, यहाँ पे किसी का PC आया हुआ है। हेलो, आई वांट टू गेट माय PC फिक्स शॉप बट एम्प्टी स्पेस। अच्छा, इसके PC में वायरस है गाइस, इसके PC में वायरस है जो अपने को रिमूव करना है। भाई वायरस वगैरह से दूर रह करो यार, क्रैक वाली वेबसाइट से डाउनलोड मत किया करो कुछ भी, इधर उधर से डाउनलोड कर लेते हैं पहले ये लोग। अरे कहाँ रखूँ इसे, यहाँ पे रखते हैं। ओके, वायरस स्कैनिंग, सबसे पहले इसके अंदर एक USB ड्राइव लगेगी, इतना तो मुझे भी पता है भाई, ये तो मैं भी जानता हूँ। ये पहले USB केबल्स लगेंगी सारी इधर उधर, मैं तो रैंडमली लगा रहा हूँ। पावर पे केबल तो नीचे लगती है वैसे, और ये लग गई अपनी HDMI केबल। अभी इसको चालू करो और मॉनिटर पे चलो। ओके, इसका भी ओमेगा सिस्टम ही है, सबका ओमेगा सिस्टम है क्या? ये सही सिस्टम है यार। वायरस स्कैन करते हैं, वायरस स्कैनर डाउनलोड हुआ है, अब इसे चालू करके अपन करेंगे स्कैन। और इन भाई साहब के कंप्यूटर में थे 197 वायरसेस जो कि सारे रिमूव हो चुके हैं, लेट्स गो। सही है भाई, एग्जिट, वायरस स्कैन कंप्लीट। अभी इसका PC ले जाके मैं रख देता हूँ वापस वहीं पे जहाँ से उठाया था मैंने। चाले, अभी मेल चेक करते हैं जाके, कलेक्ट पैसे मिल गए भाई, $120। सही है यार, रिमूव वायरस रिमूव करने के इतने ज़्यादा पैसे मिलते हैं ना, मज़ा आ रहा है। सबसे पहले काम करते हैं वाटर कूलिंग करते हैं इस बंदे का PC। ये रहा इसका PC, सबसे पहले हटाते हैं साइड पैनल। ओ भाई, ऑल राइट गाइज, अगर किसी को अपना ड्रीम PC बनवाना हो तो मेरे से वो बनवा सकता है इस गेम के अंदर। मैं उसे बनाकर दिखा सकता हूँ कि वो कैसा दिखेगा, मतलब इसके अंदर अपन एक सैंपल बना सकते हैं ना आपके PC का पूरा। इसको एग्जिट करो और पास वाली बेंच पे चलो। ये आ गया इसका RTX, कौन सा था मैंने पढ़ा नहीं। इसके नट बोल्ट निकाल देते हैं सारे। ओ भाई ये सही है यार, ये गेम मतलब मेरे को मज़ा आ रहा है इसको खेलने में। ये इसके ऊपर से ये कुछ लगा हुआ होता है, टेप जैसी चीज़ लगी हुई होती है ये चिपकाने के, चिपकाने रखने के लिए। एग्जिट करो एंड ये नई टेप पे लगाया गया यहाँ पे, वो वाटर कूलिंग वाला सिस्टम लगने वाला है ना इसलिए। ओके, थर्मल पेस्ट लगाना है अब अपने को।
तो अपने को जो लगा हुआ थर्मल पेस्ट है उसे मिटाना पड़ेगा पहले। तो ये लो हटा दिया, ठीक है। अभी लगाना है नया थर्मल पेस्ट। थर्मल पेस्ट ना मैं तो नॉर्मली ऐसे ही लगाता हूँ, बीच में छोड़ देता हूँ बहुत सारा, वो अपने आप स्प्रेड हो जाता है हर जगह पे। तो अपन बीच में बहुत सारा थर्मल पेस्ट डाल देते हैं। अभी इसके ऊपर वाटर कूलिंग वाला सिस्टम लग जाएगा, ये बात। सारे नट बोल्ट पेच कस देते हैं भाई, ये सही है यार। इससे मेरी पीसी बिल्डिंग की नॉलेज भी बढ़ जाएगी थोड़ी बहुत। वैसे तो मुझे बहुत कुछ पता है, बजट पीसी फलाना ढिमकाना, लेकिन वैसे मज़ा आ जाएगा। ओके, सेलेक्ट जीपीयू, जा भाई। ये नाइस वर्क। अभी इसका जीपीयू इंस्टॉल करते हैं। ग्राफिक कार्ड ये आ गया इसका, वाटर कूलिंग जीपीयू। अभी इसको कर देते हैं इंस्टॉल। ये केबल लगाया यहाँ पे, एंड यहाँ से जुड़ेगा ये केबल। ये यहाँ पे लगाया केबल पाइपिंग। ओहो, वाटर कूलिंग सिस्टम भी लगाना है। हाँ अरे, वाटर कूलिंग ही तो है यार, क्या बात कर रहा हूँ मैं। इसको इससे जोड़ना है, इसको इससे जोड़ना है, इसको इससे जोड़ना है। चाले, हो गया भाई। अभी एक और चीज़ इंस्टॉल करनी है, वो है कौन से कलर का डालें इसके अंदर। इसका पीसी जो है ब्लैक, रेड कलर डालते हैं भाई, रेड कलर मस्त लगेगा। इसके अंदर डालते हैं बस। ओ भाई, ये सही लग रहा है भाई, क्या बात है। बीसी पीसी कैन बूट टू ओएस। रुको रुको रुको, केबल वगैरह सिस्टम बैठा देता हूँ अभी मैं। ओके, कंप्लीटेड। अभी एक काम करना है, मुझे लगाना है केबल्स, क्योंकि इसके पीसी के अंदर वो डालना है ना, वो डालना है विंडोज़। इसके अंदर तो ओमेगा सिस्टम है, ये लगेगा यहाँ पे HDMI केबल। और पावर केबल तो सबको ही पता है, नीचे लगती है, कोई कोई पीसी में ऊपर भी लगती है यहाँ पे, इस साइड पे। ओके, अभी मैं करता हूँ इसके अंदर, वो कहाँ गया भाई, टूल्स कहाँ है, USB ड्राइव लगानी है। ओ चाले, अभी इसे चालू करते हैं। MSI का कंप्यूटर है भाई, सही है। चाले, अरे ये वॉलपेपर कितना गंदा लगा रखा है। दूसरा वॉलपेपर लगाते हैं। दूसरा वॉलपेपर कोई अच्छा सा, कोई गेमिंग वॉलपेपर बताओ यार। आरटीएक्स आरटीएक्स लगाए, गेम तो खेलेगा ही। गेमिंग वॉलपेपर, गेमिंग वॉलपेपर, गेमिंग वॉलपेपर, कलरफुल भी सही रहेगा। कोई अच्छा सा गेमिंग वॉलपेपर मिल जाए ना। अरे ये रहा, गेम ओवर। हाँ, चाल है, ये सही हो गया इसका। अभी इसका हो गया कंप्लीट, कंप्लीट नहीं हुआ है देखो। अभी इसके जो पार्ट्स निकाल रखे हैं अपन ने, वो वापस लगाना है। PCI लॉक लगाना है सबसे पहले, तो ये लग गया इसका PCI लॉक इंस्टॉल। साइड पैनल लगाना है, बाकी सब तो अपन ने लगा ही दिया देखो। अरे जाना, और इसका PC हो गया कंप्लीट। चलो इसको बाहर रख देते हैं, ले जाके राइट क्लिक से उठाता है ना, और इसको रख देंगे अपन यहाँ पे। चले, इसका पैसा कलेक्ट कर लेते हैं, कलेक्ट। अरे वाह, ओके। अभी अपना अगला ऑर्डर है ओवरक्लॉक CPU टू एटलीस्ट 4275 MHz। ओके, इसके PC को गाइज अपने को ओवरक्लॉक करने का है। तो सबसे पहले अपन करेंगे, सबसे पहले इसके अंदर केबल्स लगाएंगे, क्योंकि ओवरक्लॉक तो BIOS सेटिंग में जाके ही होता है। देखो गाइज, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो ना, तो आपको पता चल जाएगा कि थोड़ा बहुत तो पता ही चल जाएगा ओवरक्लॉक कैसे करते हैं। अभी अपने को करना है PC चालू, एस्केप दबा के, सॉरी, ये हो गया अपना सिस्टम चालू। अभी CPU ओवरक्लॉक में जाएंगे, एंड कितना करना था इसे, 4 टू, कुछ तो करना था। मैंने भाई, मैंने मैक्स कर दिया भाई, अब मुझे पता नहीं वो जाने उसका काम जाने, मैंने तो मैक्स कर दिया उसे। चलो ओके, इसका सिस्टम ओवरक्लॉकिंग टेस्ट कर लेते हैं, कैसी चल रही है, बढ़िया चल रही है कि नहीं चल रही। CPU टेम्परेचर मैक्स जा रहा है 67 डिग्रीज, और वैल्यू है 66 डिग्री, मिनिमम 53 है। चलो कोई बात नहीं, थ्रॉटल तो हो नहीं रहा। GPU टेम्परेचर भी सही चल रहा है। ओके, सही हो गया भाई, इसका ओवरक्लॉकिंग CPU कंप्लीट हो गया। अब इसका PC रख देते हैं शिपिंग के लिए। भाई सही लग रहा है यार इसका PC, ये सब एकदम RGB सही लगा रखी है। इसका PC लगा देते हैं यहाँ पे शिपिंग के लिए। चाले, अभी इसका कर लेते हैं कलेक्ट पैसा। और ये है सेट ऑल RGB टू रेम्बो इफेक्ट टू सेट वॉक मोड। ओके, देखो गाइस, इसके अंदर जो RGB जो मोड है ना, वो अपने को सेट करना है वॉक मोड पे। तो इसके लिए अपने को PC खोलने की जरूरत नहीं है, बस एक ऐप आता है PC के अंदर, इसको सेलेक्ट ऑल करना है। ये तो मुझे भी पता है, ये मैं भी करता हूँ। हाँ, रेम्बो नहीं, रेम्बो इफेक्ट डालना है। हाँ, और वॉक वॉक इफेक्ट डालना है।
ये लो भाई, हो गया भाई। कितना मस्त लग रहा है, ऐसा लग रहा है डीजे चल रहा है। अब इसका पीसी रख देते हैं अपन बाहर शिपिंग के लिए। ये ले भाई, तेरा हो गया सिस्टम, कलेक्ट कर लो। ओके कंटिन्यू। पेंट केस रेड। इसका सामान शायद अगले दिन आएगा, तो अगले दिन आएगा तब तक अपने को। ओके टिम्स रेड, इसको चेंज कर देगा। ओ यहाँ पे अपन नाम लिख सकते हैं, लेट्स गो। क्या लिखूँ क्या लिखूँ क्या लिखूँ, यहाँ पे लिखता हूँ मैं वॉल्ड वोल्ड वोल्ड टेक, या वोल्ड टेक। खाली वोल्ड टेक अच्छा नहीं लगेगा, कुछ और भी लिखते हैं इसके साथ में। ए वोल्ड टेक बिल्ड्स लिख देते हैं, बिल्ड्स, वोल्ड टेक बिल्ड्स। आ ये क्या बात है, दुकान खोली भाई बिल्ड, पीसी बिल्ड की। चलो भाई एंड डे करो, अगले दिन आएंगे काम करने के लिए। गुड मॉर्निंग, लेट्स गो। अभी अपने मेल पे। ओके अपना केस रेड आ चुका है। केस रेड मतलब इसका केस को रेड करना है अपने को। ये क्या बता रहा है, बी टू रिफ रिफिट बेंच। अच्छा हाँ, केस मोडिंग करनी है, बेंच चेंज करनी पड़ेगी। ओके केस मोडिंग, ये रहा स्प्रे कैन, नोजल साइज बढ़ा दो। एंड कलर करना है अपने को ब्लू, अप्लाई ऑन ग्लास। अभी करना है अपने को स्प्रे। ओ भाई पूरा पीसी रेड करवाएगा क्या ये, लेकिन ग्लास को क्यों रेड करवा रहा है, ग्लास तो सेफ रहना चाहिए था, एकदम एकदम ट्रांसपेरेंट टाइप का। पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं, आगे से भी रेड, आगे से तो पंखे ही नहीं दिख रहे इसके, यहाँ से भी पेंट कर देते। कोई बात नहीं, अपना तो ऑर्डर है, अपने को ऑर्डर करने का सब मतलब है। ओके यहाँ से भी रेड हो गया, अभी बस ऊपर से बचा हुआ है, और ये हो गया रेड। लेट्स गो, पेंट केस रेड हो चुका है कंप्लीट। अब इसका पीसी ले जाके मैं वापस रख देता हूँ शिपिंग के लिए। चलो कंप्लीट। चलो गाइस मिशन कंप्लीट हो चुका है। डेली रिसीव डिलीवरी रिसीव्ड, अनपैक्ड योर डिलीवरी। मेरे को कोई डिलीवरी भेजा है किसी ने, फिर टेबलेट भेजा है, ए प्रेजेंट फ्रॉम अंकल टिम। अच्छा अंकल ने भेजा है भाई, क्या बात है। ये होता है अंकल, टेबलेट को ओपन किया, ईमेल आया है मेरे पे कोई। अरे नया सामान नहीं खरीदना, अभी पैसे कम है। वेलकम टू डेकोरेटर है वो। अच्छा मैं इससे वो ये डेकोरेट कर सकता हूँ मेरा स्टूडियो। एक काम करते हैं, अपने स्टूडियो को बनाते हैं स्पेस 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 टाइप का स्टूडियो बनाते हैं। सारी दीवारें स्टेप स्पेस टाइप की कर दो। ओ भाई छत भी स्पेस टाइप की कर दो। ओ ये टेबल भी स्पेस टाइप की कर दो भाई। थीम ज्वाइन, थीम 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 हर जगह थीम। ये टेबल भी, ये वाली टेबल भी, ये मेरी खुद की टेबल है वैसे, और ये वाली भी। और कोई जगह है जो मॉडिफाई करना बाकी है, और कोई जगह तो नहीं बची वैसे। पूरी ये शिपिंग एरिया में क्या मस्त दिख रहा है भाई। ओके मेरा पूरा भाई, ये क्या मस्त लग रहा है मेरा स्टूडियो। ओ भाई ऐसा बनाना है मेरे को रियल में, ये मेरे को रियल में बनाना है भाई। मेल आई है कोई, ये क्या है, रिप्लेस एयर कूलर। अच्छा एयर कूलर रिप्लेस करना है, कोई ऑर्डर आया गाइस अपने पे। एग्जिट तो क्लोज द ऐप, ओपन द ऐप शो। अभी क्या परचेज करने का है अपने को, सीपीयू कूलिंग उसको रिप्लेस करना है अपने को। ठीक है भाई कर देंगे रिप्लेस, एक्सेप्टेड। इसका ऑर्डर आना बाकी है भाई, कब तक आएगा इसका ऑर्डर। चलो घर पे जाके सोते हैं, शायद ये एंड डे हो चुका है, कल आएगा इसका पीसी। ओके तो नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है, और यहाँ पे हमारा ऑर्डर आ चुका है, और पीसी भी आ चुका है। इसको करने का है फिक्स, एयर कूलर रिप्लेस करना है, और विंडोज इंस्टॉल करनी है। ओके रिप्लेसिंग कंपोनेंट्स। ओके सबसे पहले तो इसका ये बोल्ट्स खोलेंगे, और साइड पैनल निकालेंगे, लेफ्ट क्लिक। सबसे पहले ये केबल निकालेंगे, और भाई AMD का है ये तो, क्या बात है। एक काम करते हैं थर्मल पेस्ट रिमूव कर देते हैं। ओके ये है AMD Ryzen 3 1200। सही है भाई, ये वाला CPU मेरे को भी लेना था। टूल्स पहले थर्मल पेस्ट लगाएंगे, बीच में लगा देता हूँ, क्योंकि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है वो हर तरफ। बीच में ऐसा बड़ा सा बूंद लगा के थोड़ा सा और फैला देता हूँ ऐसे बस। अभी इसका वाटर कूलिंग क्या सॉरी एयर कूलर रिप्लेस करने का है। ओके केबल लगानी है इसकी यहाँ पे, ठीक है भाई लग गया। अभी रिमूव्ड कंपोनेंट साइड पैनल लगाने का है, ये ले भाई लगा दिया तेरा साइड पैनल। फिर जूम आउट कर लेता हूँ थोड़ा सा, इसका ये लग गया साइड पैनल। चलो ठीक है कॉन्ग्रेचुलेशन,
अभी इसका इसके अंदर वो लगाना है बूट ओएस, यूएसबी ड्राइव इंस्टॉल कर देते हैं एंड इसको करते हैं पावर अप। अरे केबल्स तो लगा ही नहीं भैंस की यहाँ। ये रही इसकी पावर केबल, ये रही कीबोर्ड की केबल, ये रही एक और माउस की केबल, और ये रही HDMI केबल। अभी चलते हैं पावर ऑन करते हैं इसका। चलो भाई इसका काम तो हो गया, इसका कंप्यूटर चालू हो गया। ओके कोई बात नहीं, हो गया आपका सिस्टम रेडी। और इसका पंखा तो 8 GB है भाई, क्या बात है। पावर बंद कर दो। अभी एक काम करो, इसको एग्जिट करके इसको मैं रख देता हूँ शिपिंग एरिया में ले जाके। कहाँ गया मेरा शिपिंग एरिया? अरे शिपिंग एरिया कहाँ गुम हो गया भाई। सिस्टम आज की वीडियो में बस इतना ही। मेंट के अंदर अपने सारे पीसी के स्पेक्स, हम आपका भी पीसी बना के आपको सैंपल दिखाएंगे कि आपका पीसी दिखने में कैसा दिखेगा। ठीक है, मिलता हूँ अगली गेम प्ले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।